तो पुख्ता सुरक्षा के बीच कश्मीर में G20 के टूरिज्म ग्रुप की 3 दिवसीय बैठक शुरू हो गई है और इस दौरान G20 के जो डेलीगेट्स यहाँ पे पहुंचे हैं उन्होंने डल झील में किस तरह से शिकारे का लुत्फ उठाया, आइए आपको दिखाते हैं। डल लेक में जगमगाते ये शिकारे और इस सैर का मजा लेते G20 डेलीगेट्स। सोमवार की शाम डल झील की रौनक कुछ ऐसी ही दिखी। कश्मीर में G20 टूरिज्म ग्रुप की 3 दिवसीय बैठकों की शुरुआत हो चुकी है। श्रीनगर में G20 के पर्यटन कार्य बल की 3 दिन की बैठक शुरू हुई। शुरुआत फिल्म पर्यटन पर चर्चा से हुई। 60 देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। भारत चाह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फिल्म बनाने वाले भी यहाँ आए। देखिए रिपोर्ट। नाटू नाटू पर न सिर्फ प्रसिद्ध तेलुगु कलाकार रामचरण नाचे बल्कि उन्होंने साउथ कोरियन एम्बेसडर को भी अपने डांस में शामिल कर लिया। 1986 में मैं पहली बार कश्मीर आया था। मेरे पिताजी ने गुलमर्ग और सोनमर्ग जैसे सभी सुंदर जगहों में शूटिंग की है। मैं जब बच्चा था तब वहाँ आया करता था। अगर मेरे पिताजी तब मुझे कश्मीर आने के लिए कहते तो मुझे लगता था कि इस गर्मी में मैंने कुछ हासिल किया है। ये जगह जादुई है, ये लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। वैसे श्रीनगर की डल झील के किनारों पर कभी शमी कपूर से लेकर शाहरुख खान तक रोमांस करते रहे। बॉलीवुड की लगभग 370 फिल्में कश्मीर घाटी की खूबसूरती का नजारा हमें पिछले तमाम सालों में दिखा चुकी हैं। अब इसे और बढ़ावा देने के लिए इस साल टूरिज्म के वर्किंग ग्रुप की मीटिंग श्रीनगर में हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार। In coming days, आने वाले दिनों में भारत में फिल्म टूरिज्म के लिए हम विदेशी देशों को भी आकर्षित करेंगे। For tourism, need to tell the world, look here, here, हमें दुनिया को बताना होगा कि देखो हम आपको किफायती लोकेशन प्रदान कर रहे हैं, चाहे आप हॉलीवुड बॉलीवुड या टॉलीवुड कहीं से भी हों। 10 किलोमीटर के अंदर आपको घास के मैदान, स्लॉप्स, ट्यूलिप सब मिलेंगे। आप एक होटल में रहकर पूरी शूटिंग कर सकते हो। दरअसल इस मीटिंग के जरिए भारत G20 देशों के साथ एक नई फिल्म पॉलिसी लाने की कोशिश कर रहा है। मीटिंग में कई देशों ने अपना अपना अनुभव शेयर किया। न्यूजीलैंड में लॉर्ड ऑफ रिंग्स के बाद पर्यटन में 40% बढ़ा। 6% अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट ने बताया कि फिल्म देखने के बाद वो यहाँ आए। क्रिश देखने के बाद सिंगापुर में भारतीय टूरिस्ट बड़ी तादाद में जाने लगे। वैसे इस मीटिंग में 61 देश हिस्सा ले रहे हैं जिनमें G7 के सभी देश शामिल हैं। भारत G20 को एक मौके की तरह देखता है। जैसा कि भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में होने वाला G20 समावेशी, निर्णायक और कार्य के लिहाज से बेहतर होगा। भारत का मानना है कि जैसे जैसे टूरिज्म घाटी में बढ़ेगा वैसे वैसे रोजगार भी यहाँ बढ़ेगा। कश्मीर घाटी कितनी खूबसूरत है इसका बखान हम अक्सर शेरों की शायरी में और बॉलीवुड के गानों में सुन लेते हैं, लेकिन वाकई ही ये जन्नत कितनी खूबसूरत है इस बात का जो तस्दीक है इससे भी होती है कि जहां पिछले साल श्रीनगर में 532 फ्लाइट्स आती थी, इस साल उनकी संख्या दुगनी हो गई है। और भारत सरकार का कहना है कि इस साल फॉरेन टूरिस्ट भी यहाँ पर बहुत ज्यादा आ रहे हैं। श्रीनगर से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए।